नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपना एज कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। हम इस ईयर, मंथ और डेज के फॉर्मेट में अपना आज का डे, प्रेजेंट डे और डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। आज प्रेजेंट डे है 15 मार्च 2017, तो हमने 2017/3/15 लिख दिया। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है 20th of August 1995, तो वो भी हमने लिख दिया। ईयर, मंथ एंड डेज। तो दोस्तों, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एज निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डेज़ 15 है, यहाँ 20 है, यानी कि हम 15 से 20 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वन मंथ यहाँ से हम ले लेते हैं। तो सपोज वन मंथ हमने ले लिया, तो ये अभी डेज़ 15 के बजाय इसमें हमें ऐड करेंगे वन मंथ। ये मार्च था, तो मार्च में 31 डेज होते हैं, तो इसलिए ये 31 ऐड होगा और ये हमारा हो गया 46, राइट। अभी हमारे पास डेज हैं 46 में से 20 आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 26 डेज, राइट। अभी यहाँ पर देखिए, मंथ जो कि 3 लिखा है, ये अभी 3 के जगह पे 2 हो गया, क्योंकि हमने वन मंथ वहाँ पे ले लिया था, फिर 2 आ गया। 2 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वन ईयर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो वन ईयर लेंगे, तो वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 + 12 यानी कि 12 है, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं, 6 हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये 2017 है, लेकिन हमने एक ईयर यहाँ पे लिया हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ 2016। नाउ अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2016 में से 1995 को, तो ये हो जाएंगे 21। तो दोस्तों, ये आपका एग्जैक्टली जो है डेट, ये आपका डेज और मंथ और ईयर में आपका एज आ गया, 21 ईयर 6 मंथ एंड 26 डेज। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो ने कुछ भी मदद किया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इसे कुछ सीख पाएंगे। और हम फिर से दूसरी वीडियो में कुछ और सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।